साहस सरोकार। बीजेपी का आज स्थापना दिवस 43 साल की हुई भाजपा इस अवसर पर पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। योगी सरकार ने पास किए 13 प्रस्ताव बनकर सब्सिडी योजना को मंजूरी। ऑटोमेटिक पावर लूम उपकरण खरीद में मिलेगी सब्सिडी। यूपी का निकाय चुनाव में फिर बेंच फंसने के आसार। नगर निकाय आरक्षण को लेकर आज फिर होगी सुनवाई। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पर मिला पद्म विभूषण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अखिलेश यादव ने लिया यह सम्मान। हनुमान जन्मोत्सव आज देश भर में शोभा यात्रा निकलेगी। केंद्र की राज्यों को एडवाइजरी। माहौल बिगाड़ने वाली चीजों पर रखे पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं खबर की ओर। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव को बुधवार को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। नेताजी के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह सम्मान लिया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहे। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को जमानत दे दी। हाईकोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस सरोज यादव और एआर मसूरी की बेंच ने जमानत दी है। बता दें कि सितंबर 2021 में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप लगे थे। वहीं मौलाना के ट्रस्ट को बहरीन से 1.5 करोड़ और विदेशी फंडिंग से 3 करोड़ रुपए मिले थे। साथ ही ग्लोबल पीस सेंटर का अध्यक्ष रह चुके मौलाना वहीं विदेशों से मिली धनराशि से कई मदरसों की फंडिंग की यूपी एटीएस ने खुलासा किया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद कलीम, मौलाना कलीम सिद्दीकी को जमानत मिल गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सितंबर साल 2021 में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जो अवैध तरीके से धर्मांतरण और फंडिंग का आरोप लगा था, जिसमें एटीएस ने गिरफ्तारी की थी। गिरफ्तारी के बाद काफी पूछताछ भी चली, रिमांड पर भी लिया गया था, लेकिन जब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की, डबल बेंच ने जब सुनवाई की है, तो जस्टिस सरोज यादव और एआर मसूदी की बेंच ने जब वो मौलाना कलीम सिद्दीकी की सुनवाई की, तो इसमें जमानत फिलहाल उनको दे दी गई है। जमानत के बाद वो बाहर भी आ गए हैं, लेकिन जिस तरीके से इनके ऊपर एक बड़ा आरोप है कि जो फंडिंग किया जाता था और जो ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे, इसके साथ ही जो बहरीन से 1.5 करोड़ और विदेशी फंडिंग 3 करोड़ जो मिले थे, आखिर इन सब मामले में जिस तरीके से कार्रवाई एटीएस के द्वारा की जा रही थी, क्योंकि जो फंडिंग का कहना था कि ये फंडिंग जो है आतंकियों को सपोर्ट के लिए थी, और कई मामले ऐसे बताए जाते हैं जिसको लेकर कई बार छापेमारी भी एटीएस की शुरू हुई थी, लेकिन अब इनको जमानत मिली। तो जमानत के बाद आखिर एटीएस की जो कार्रवाई है वो अभी इसमें और कितनी पहुंचेगी फंडिंग को लेकर के, ये भी अभी लगातार इस पर निगाह लोगों की बनी हुई है। बाद आपका मोहम्मद कलीम। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र दिवाईची के ग्राम प्रधान ने गांव के ही एक युवक को चोरी के आरोप में तालिबानी सजा दी। बताया जा रहा है कि प्रधान ने अपनी पत्नी और पुत्रों की मदद से युवक को पकड़कर उसके हाथ पैर बांधे और गांव के बाहर खड़े बरगद के पेड़ पर लटका दिया। इतना ही नहीं, उसके नीचे आग जलाकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। वहीं जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक को बुलाकर उसकी तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, 3 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसके बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि यह वीडियो थाना शिकोहाबाद के गाँव डिवाईची का है और ये घटना दिनांक 28 मार्च की है।
उस वीडियो में एक व्यक्ति को पेड़ से लटका हुआ दिखा गया और उसमें नीचे से वो आग लगाई गई थी और काफ़ी लोग वहाँ पर एकत्रित थे। जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि ये डिवाइची गांव का जो प्रधान विशुन दयाल है, ये स्वयं और उसके परिवार के कुछ लोग मिलकर एक व्यक्ति को पेड़ से लटका दिए थे और उसके बाद नीचे से उसमें आग लगा दी थी। लेकिन अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र अंतर्गत गांव सहारनपुर में दो नाबालिग किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि 8 दिन पहले वह अपनी मां के साथ घर लौट रही थी कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार गांव के दो युवकों ने धक्का देकर उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर जबरन अपने साथ ले गए। घटना के बाद उन्होंने इलाका पुलिस को शिकायत की थी, लेकिन घटना के 9 दिन बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते SSP से शिकायत की गई है। वहीं दूसरी लापता किशोरी की मां ने बताया कि उनकी बेटी अपने भाई के साथ दुकान पर सामान खरीदने गई थी, तभी रास्ते में गांव के रहने वाले दो दबंग युवकों ने किशोरी को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और लेकर फरार हो गए। फिलहाल इस पूरी घटना की शिकायत ग्रामीणों ने SSP से की है। वहीं इस पर SP ने बताया कि घटना की सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही दोनों लड़कियों की बरामदगी सुनिश्चित कराई जाएगी। मडराक थाना क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो लड़कियों का अपहरण हो गया। इस सूचना में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है, इसमें टीम गठित है। दोनों लड़कियों की लोकेशन काफी साक्ष्य इसमें संकलित कर दिए गए हैं, जल्दी लड़कियों की बरामदगी सुनिश्चित कराई जाएगी। कारी सी मोटरसाइकिल है, पीछे पीछे तो मैं आ रही हूँ, आगे आगे हमारी लड़की चल रही है और उसमें मुझ में धक्का मार के नहीं है, मेरी लड़की को मोटरसाइकिल पे बैठा के और सोई ले गया। श्याम और उसका ललित नाम है। ये कहाँ के रहने वाले लोग? वो भी सहारनपुर के। सर सहारनपुर के ही हैं। हाँ, शिकायत की वो सुनवाई नहीं दे रहे सर। कोई भी कहते कि सुनवाई होगी, सुनवाई आज 9 दिन हो गया सर। हाँ, 9 दिन होगा, कोई सुनवाई नहीं आ रही सर। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस नौका नहीं कर रहे हैं सर, कर रहे हैं ऐसे कह देते हैं सर, जाप भी नहीं लगा देते थे और नौका देते हैं कि कर रहे ऐसा कर लो। आप कहाँ आए थे आज? उसके माँ बाप। चंदौली जनपद के चकिया उत्तरी सैफई क्षेत्र के जंगल में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 6 झोपड़ी जलकर राख हो गई। झोपड़ियां वनवासी जाति के लोगों की बताई जा रही है। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका। बता दें कि वन विभाग की JCB रास्ता और गड्ढा खोदने का काम कर रही थी, उसमें झाड़ियों को क्रूर से खींचने के बाद जमा लकड़ियों के ढेर को आग लगाया गया, जिसे पूरी जंगल में ये आग फैल गया, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। सर अपना परिचय बताएं मतदर्शकों को। मेरा नाम योगेश कुमार सिंह है, मैं चकिया रहने के वन क्षेत्र अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। सर चकिया के किस क्षेत्र में आग लगी है? बड़ा अफरा तफरी मचा था, आप लोगों ने काबू किया? चकिया में उत्तरी सफाई बीट पड़ता है जिसमें सागवान का जंगल है, उसमें दोपहर में सूचना प्राप्त हुई कि आग लगी हुई है, तो सारा स्टाफ जाकर उसको बुझाया। मैं सुन गया था और बाकी पत्रकार साथ में आए थे, वो लोग भी थे, सभी लोगों का सहयोग रहा जिससे आग पे तुरंत काबू पा लिया गया और कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसानी नहीं है सर? अगर सर अगर ये आग रात में अगर लगती तो क्या नुकसान होने की पॉसिबिलिटी थी? देखिए अगर सूचना देर से मिलती तो अगर ऐसा होता तो बिल्कुल नुकसान हो सकता है आसपास के जो किसान हैं जिनका खेत हुए थे, लेकिन ऐसी कोई दुर्घटना नहीं है और स्टाफ रात दिन गश्त करता है क्योंकि ये गर्मी का सीजन है तो आग लगने की संभावना बनी है। सर अपना नाम बताइए। चौहान। चौहान किस जगह के रहने वाले आप लोग? राडी। अच्छा ये बताइए यहाँ पे बहुत भीषण आग लगी हुई है, क्या मामला है यहाँ पे? जी अभी जंगल आग लग रहा है सर, 9 बजे 10 बजे के आगे लगी है, कोई विभाग आया नहीं जंगल का सर। हम लोग का 5 ठेमाड़ी जल गया, 10 ठे पाइप जल गया, खटिया जरल है, बहुत जरल है सर। उसके बाद अभी हम लोग पूरे परिवार से लगे हैं आगे बुता रही है। कब का आग लगा हुआ है? ये सर 9 बजे का। 9 बजे का। किस जंगल में आता है ये? सफाई। सफाई जंगल से आग चालू भइल है, आपके नर्सरी के पजरे से जहाँ जहाँ GBC चलत है वहाँ से आगे आवते हरे से। अच्छा आग लगाने वाले पर आप पे कोई शक भी है क्या? नहीं सर, हम लोग नहीं। क्या मामला है यहाँ पर? भीषण आग लगी हुई है साहब। क्या क्या नुकसानी हुआ है? गेहूँ जरल, पाइप जरल, लेवा रजाई कुल जरल है साहब। अच्छा ये कब का आग लगा है? 10 बजे का। 10 बजे 9 बजे का। यहाँ पर मौके पर अधिकारी कोई नहीं आया? नहीं सर कोई नहीं आया साहब।
आग आयल है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ गेहूँ भी जर गया है। देखता है या समरमा यहाँ सहन में मड़ई भी था। जी सर, हाँ, मड़ई जर गया। हाँ, झोपड़ी जर गई। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने से करीब 20 बीघा फसल जलकर राख हो गई। वहीं धू धू कर जलती फसल वीडियो भी सामने आया है। थाना चंडौस क्षेत्र के गांव बछेड़ा की घटना ये बताई जा रही है। औरैया के एरवा कटरा में प्रीमियर लीग का भव्य आगाज हुआ। बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष जीवाराम ने फीता काटकर प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया और थानाध्यक्ष जीवाराम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमें एकता का पाठ पढ़ाते हैं, इसलिए खेल को सिर्फ खेल की भावना के साथ ही खेलना चाहिए। वहीं आयोजकों द्वारा थानाध्यक्ष जीवाराम और अन्य अतिथियों को फूल माला पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। गोंडा जिले के छपिया थाना के चांदनी चौक के प्राण देवी महाविद्यालय के पास किराने की दुकान में अचानक अनियंत्रित स्कॉर्पियो घुस गई। स्कॉर्पियो ने दुकान के अंदर चारपाई पर बैठे 3 लोगों को रौंद डाला, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 1 की गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।